वादी कश्मीर में मौसम का मिजाज बदला है, तेज हवाओं का सिलसिला और लगातार बारिशें वहां पर हो रही हैं, जिसके चलते बहुत नुकसान भी देखने को मिला है। अगर हम बात करें नॉर्थ कश्मीर की, तो नॉर्थ कश्मीर में इस तूफान के कारण, तेज बारिशों के कारण काफी नुकसान हुआ है। पटन से खबर जिस तरह से सामने आ रही है कि दो कार्स भी डैमेज हुई है। तो सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से तेज हवा के बाद कुछ पेड़ गिरे, पेड़ गिरने के बाद कार पूरी तरह से डैमेज हो गई। आप देख सकते हैं शीशे चकनाचूर हो गए और कार जो दो कार्स पट्टन में बताया जा रहा है कि डैमेज हो गई, इसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वहां पे लोगों का क्या कुछ कहना है, आपको स्पॉट से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी दिखा देते हैं। ये ये है कि SGH जो ओल्ड हॉस्पिटल पटन है, यहाँ पे तकरीबन 20 से 25 सफेद दरख्त है, जो तकरीबन 3-6 साल हो गए हॉस्पिटल को शिफ्ट किए हुए। तब से हम आज तक गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको काट दो, इनकी वजह से बीमारियां फैलती है, इनकी वजह से जान को खतरा है। और प्रेजेंट सिचुएशन आप देख सकते हो, कुछ मुश्किल से तकरीबन इसके नीचे 20-25 बंदे आए थे जो खुदा की मेहरबानी की वजह से बच गए। अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि इनको सबको काट दिया जाए। ये गुजारिश कर रहे हैं जो कि यहाँ के जिम्मेदार है, पुलिस डिपार्टमेंट से आप वो ग्राउंड रिपोर्ट देख के, SDM को रिपोर्ट देख के हमारी अनस्वीकार अभी हम हो रहे हैं इस वजह से, क्योंकि हमारी बहुत दिक्कत है इस दरख्त से। हम किसी साहब से गुजारिश कर रहे हैं, ये फिल फोर इनका ऑर्डर निकाल के हमें इधर सिक्योर बना दीजिए। ये पटन मार्केट मेन मार्केट है, नियर अबाउट ये टंगमर्ग से रिलेटेड है ये एरिया। तो हम गुजारिश कर रहे हैं कि ये हमारा क्लियर कर दीजिए, ये दरख्त वगैरह। यहाँ पे थोड़ा सा इंसिडेंट हो गया था, एक जो ब्रांच है पॉपुलर ट्री की, तो वो गिर गई है फ्रॉम द जो हमारा ओल्ड एच SDH कॉम्प्लेक्स है, वहीं पे ये पेड़ लगे हुए थे। तो अभी एक्चुअली हमने बात भी की कंसर्न क्वार्टर से, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक कमेटी बनी हुई है, जिस कमेटी में ये डिसाइड किया जाएगा कि ये पेड़ कब और कैसे काटने हैं, क्योंकि जब तक वो कमेटी रिपोर्ट नहीं देती है तो तब तक थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट आई विल एंश्योर कि इंशाल्लाह जो कमेटी है अंडर द हेडशिप ऑफ जो है हमारी यहाँ पे BMO मैडम है, BMO पटम, तो उसी के अंतर्गत हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इन पेड़ों को जल्द से जल्द काटा जाए। थैंक यू। तो चलिए रुक करते हैं पटन का। राही निसार हमारे साथ लाइव ज्वाइन किए हुए हैं। राही, बताइएगा पूरे नॉर्थ कश्मीर में अचानक से जैसे मौसम का मिजाज बदला है और कितना नुकसान देखने को मिला है? देखिए प्रियंका, जहां पे हम महकमे मौसमियात की बात करेंगे, अगर उन्होंने कहा कि एक हफ्ता यहां पे मौसम खुशक रहेगा, मगर वहीं पे हम कहेंगे कि कुदरत के सामने किसी की नहीं चलती है। और आज अचानक आज यहां पे 3 बजे मौसम ने करवट बदली और यहां पे तेज तरीन बारिशों के साथ साथ तेज तरीन हवाएं भी चली, और हवाओं के तेज तरीन हवाओं की वजह से यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर के, अगर हम बांडीपोरा इलाके की बात करें, सोपोर इलाके की बात करें, संग्रामा की बात करें या पटन की बात करें, एक तो बहुत सारे मकानों के यहाँ पे छत उड़ गए, और साथ साथ में अगर हम यहाँ पे सफेदा के जो दरख्त है वो बहुत सारी जगहों पे गिर गए। अगर संग्रामा के करीब जो वहां पे सफेदा के दरख्त गिरे वहां पे कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं पे अगर हम पटन की बात करें, जो पटन यहाँ पे ओल्ड SDH हॉस्पिटल है, वहां पे सफेदा के दरख्त गिरने से 2 यहाँ पे गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा है। वहीं पे जो सवार उसमें सवारियां थी वो बाल बाल वहां पे बच गई है। अगरचे अभी तक यहाँ पे पूरे इलाके से हम ये कहेंगे कि जानी नुकसान की कोई इतला यहाँ पे नहीं मिली। वहीं पे अगर हम माली नुकसान की बात करेंगे, इन 2 गाड़ियों को लेकर यहाँ पे बहुत सारे, अगर हम फसलों की बात करें, मेवा सन्नत से जो लोग यहाँ पे जुड़े हैं या एग्रीकल्चर के साथ जो जुड़े हैं,
वो यहाँ पे हमें फोन कर रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारा नुकसान हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे तालाबारी भी हुई है और साथ साथ में बहुत सारे मकानों के यहाँ पे छत भी उड़ गए हैं। और अगर कि यहाँ पे इन सफेदा के दरख्त के बारे में मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे वजाहत करना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे नेशनल हाईवे है, जिसको यहाँ पे मुजफ्फराबाद शेरा भी कहा जाता है, दोनों साइड जो सफेदा के पोशीदा दरख्त है, अगर बहुत से टाइम से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया है कि जो पोशीदा दरख्त है इनको काटा जाए, मगर कहा गया है कि हम काटेंगे काटेंगे, मगर अभी तक यहाँ पे नहीं काटे हैं। वहीं पे अगर हम ओल्ड एसडीएच की यहाँ पे बात करें, अगर कि बाजायदा तौर यहाँ पे गवर्नमेंट का एक हुक्मनामा भी आया था कि जो यहाँ पे रूसिन पॉपुलर है उनको यहाँ पे काट दिया जाए, अगर जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, उन्होंने इस पे यहाँ पे अमल किया, वहीं पे अगर हम कहेंगे सरकारी दफातर के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, सरकारी दफातर में इसका कोई असर यहाँ पे देखने को नहीं मिला। चूंकि जो ओल्ड एसडीएच हमारा यहाँ पे है, तकरीबन यहाँ पे 10 बार उस पर टेंडर निकली है, कहा गया है कि हम इसको इनको काटेंगे, मगर अभी तक यहाँ पे वो नहीं काटे गए, जिसकी वजह से आज यहाँ पे ये बंदे तो बाल बाल बच गए, मगर जो उनकी 2 गाड़ियां हैं वो वहां पे पूरी तरह से डैमेज हो गई। अगर कि इसके फौरन बाद यहाँ पे तहसीलदार पटन ने, एसडीएम जो कंसर्न है उनके कहने पे यहाँ पे दौरा किया, विजिट किया और वहां पे यकीन दिलाया क्या एक ही हफ्ते के अंदर अंदर हम इनको यहाँ पे काटेंगे, मगर लोग सवाल कर रहे हैं कि इससे पहले भी बहुत सारे वादे किए गए मगर अभी तक ये नहीं अमलाया गया। क्योंकि अगर हम पिछले साल की बात करें, एक पुलिस एहलकार की यहाँ पे जान भी चली गई है, जब चिनार का एक शाख उसकी उसके बाइक पे यहाँ पे गिर गया था, तो हम ये कहेंगे कि लोग कह रहे हैं तब ये यहाँ पे काटते हैं जब कोई यहाँ पे जानी नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जो पोशीदा दरख्त है, चाहे वो ओल्ड एसडीएच में है या यहाँ पे दोनों साइड किनारे जो यहाँ पे नेशनल हाईवे उन पे है, उनको यहाँ पे डिमार्केशन करके उनको काट दिया जाए ताकि यहाँ पे जानी वो माली नुकसान ना हो। वहीं पे हम आला हुकाम से यहाँ पे एक बार ये भी गुजारिश करेंगे कि जो बहुत सारा नुकसान यहाँ पे हुआ है, बहुत सारे मकानों के छत उड़ गए हैं, वो भी यहाँ पे उनको अभी देखा जाए, क्योंकि लोग फोन कर रहे थे कि हमें यहाँ पे नुकसान हुआ है, मगर अभी तक जो वहाँ पे कंसर्न कोई टीम या कोई वहाँ पे नहीं पूछा है। अगर कि यहाँ पे एसडीएम कंसर्न ने इसकी वजाहत की है कि हमने बहुत सारे इलाकों से जो भी हमारे पास यहाँ पे आए, हमने उनको रिटर्न लिखा है, वो हमारी टीम वहाँ पे जाएगी, तो साथ साथ में यहाँ पे यही गुजारिश रहेगी कि जो इस सफेदा के पोशीदा दरख्त है इन पे ध्यान देने की जरूरत है। जी प्रियंका जी, शुक्रिया राय ज्वाइन करने के लिए। तो पटन से राय निशा जिस तरह से जानकारी दे रहे थे, और आपको बता दें कि जब पेड़ गिरे तो बहुत सारे लोग इसके नीचे आने वाले थे, पर बाल बाल उनकी जान बच गई। जो 2 कार्स हैं किस तरह से डैमेज हुई, जो वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, और भी काफी नुकसान नॉर्थ कश्मीर में देखने को मिला है। आपके इलाके में किस तरह का वेदर है या कहीं किसी इलाके में किस तरह का नुकसान हुआ है, तो कमेंट बॉक्स पर जरूर मेंशन कीजिएगा। देखते रहिए।